हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस बालिटी स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सोशल स्टडीज सेकेंड चैप्टर फेस्टिवल्स। इन दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हार्वेस्ट फेस्टिवल फ्रॉम दिस वीडियो। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बैसाखी, पोंगल, बीहू, लोहरी एंड ओनम आर सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स we are celebrating in India. We celebrate in India. These are Thanksgiving festivals. People, these are celebrating these festivals very happily, joyfully, and they are giving thanks to God. So that is why these are the Thanksgiving festivals. Farmers are grateful to the God for providing them with a good harvest. वो हमें गॉड हमें अच्छे से फूड देता है, गुड हार्वेस्ट देता है, इसलिए फार्मर्स बहुत ग्रेटफुल होते हैं और वो गॉड को थैंक यू कहते हैं इस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से। पोंगल इज कलरफुल फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल वर्शिप द सन, द रेन एंड बुल्स एंड काउज। वहाँ के लोग जो होते हैं वो सन को, रेन को और बुल्स और काउज को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अ स्वीट डिश कॉल्ड पोंगल इज मेड। दिस इज द स्पेशल डिश विच इज प्रिपेयर्ड और मेड ऑन पोंगल। विदाउट दिस डिश इट इज नॉट सेलिब्रेटेड। ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम जो है वो केरला में मनाया जाता है। पीपल वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस एंड मेक रंगोलीज। हियर यू कैन सी पीपल वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, न्यू ड्रेसेस एंड स्पेशल काइंड ऑफ फूड ऑल्सो हैव बीन मेड। देर इज़ अ प्रोसेशन ऑल्सो एंड रंगोली ऑल्सो, अ स्पेशल काइंड ऑफ रंगोली can be made on this festival, and this rangoli is called pukalam or the flower carpet. ये rangoli पूरी तरह से flower से बनाई जाती है, इसलिए उसे pukalam कहा जाता है। The famous boat race is held during this festival. जो speciality होती है ओनम की वो है boat racing. Boat racing held during this festival. इस तरह से ओनम फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। We harm our environment while celebrating some festivals. Children, as you know very well that nowadays we are very much pollution is making, that is why we are harming to the environment. Like we are bursting the crackers in Diwali, in the Holi we are using the and wasting the water, that is why the environment can be harm. We should try and follow an eco-friendly way of celebrating them. Hame festivals manane to chahiye, lekin kaise manane chahiye, jo eco-friendly ho, means like the Ganesha idols also, jo Ganesh ji ki murti hoti hai use hum pani mein visarjit karte hain, lekin agar wo इको फ्रेंडली होती है तो वो पानी में घुल मिल जाती है। दिस वे वी कैन नॉट बी नॉट हार्म टू द एनवायरनमेंट एंड कैन एन्जॉय आवर फेस्टिवल्स। चिल्ड्रन, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।